हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सिस्टर्न इंटरनली मेजर, एक टंकी है जिसका अंदर का मेजरमेंट इतना दिया हुआ है हमारे को, ठीक है, 150, 120 और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, हैज इतने सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉटर इन इट, उसके अंदर इतना वॉल्यूम पानी है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो हम पता करें उसके अंदर कितना भरा है और कितना बाकी है। मैं इधर बना लेता हूं एक टंकी आपको समझाने के लिए अच्छे से। सपोज करो ये एक टंकी है और इसके अंदर इतना इतना पानी भरा है, इसके नीचे पानी है, ठीक है, ऐसा भरा हुआ। तो जो ये भरा हुआ वॉल्यूम है ना, वो कितना है, 129600 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ मतलब टंकी का सिस्टर्न इज कितना हो जाएगा, जो हमें डाइमेंशंस दिए हुए हैं, 150 × 120 × 110 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 198000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अभी खाली जगह कितनी रहेगी, स्पेस इन अ सिस्टर्न 198000 माइनस ये वाला 129600 कितना आ जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 18500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा स्पेस, मतलब ये जो ऊपर की खाली जगह रहेगी ना टंकी के अंदर, ये वो आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। पोर्स ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टर्न इज फुल ऑफ द ब्रिम, ठीक है, ब्रिम मतलब किनारों तक वो पूरा भर जाए। अब पोर्स का क्या मतलब होता है, छेद होते हैं जिसमें वो पानी झरता है, ठीक है। तो ईंटें जब स्टार्टिंग में जब ईंटों को पानी में डालते हैं ना, तो ईंटें पानी पीती हैं, ठीक है, ईंट्स हैं, ब्लॉक्स हैं, जो भी हैं, वो पानी क्या करते हैं, पी जाते हैं। तो ये बोल रहा है पोरस ब्रिक्स आर प्लेस इन द वाटर अंटिल द सिस्टर्न इज फुल ऑफ द ब्रिम, इसके अंदर ईंटें डालते गए जब तक ये किनारे तक नहीं भर गया। अब बोल रहा है ईच ब्रिक एब्जॉर्ब 1/17, हर ईंट या ब्लॉक बोल रहा है पीता गया कितना पानी, 1/17 खुद का, 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वॉटर, खुद के वॉल्यूम ऑफ वॉटर का, ठीक है, यानी एक ब्रिक जितना वॉल्यूम पानी पीती है उतना वॉल्यूम का 1/17 वो पानी पी लेती है, यानी खुद के वॉल्यूम का 1/17। तो हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इन विदाउट ओवर फ्लोइंग द वाटर, तो इसके अंदर कितनी ईंटें डाल दें ताकि वाटर ओवरफ्लो ना हो, ईच ब्रिक्स बींग इतना, और बिग ब्रिक्स का क्या डायमेंशन दिया हुआ है। तो देखो हमें इसके अंदर पानी के अंदर ईंटें डालते जाएंगे, तो ईंटें जो पानी पी गई वो, और जो इसके अंदर पानी है वो, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा और स्पेस जो रह गया वो, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर डालेंगे ईंटें, ठीक है, तो ये स्पेस भी ऊपर की तरफ पानी आने लग जाएगा, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम काउंट करेंगे इसका, क्योंकि ईंटों से हम इसको भर देंगे, तो टोटल वॉल्यूम जो इसका होगा उसमें से हम किसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, पानी का और ईंटों का, ठीक है। तो देखो समझते जाएंगे, तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है, तो वन ब्रिक का वॉल्यूम है 22.5 × 7.5 × 6.5, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं पॉइंट्स हटाते हैं, 22.5 × 75 × 65, और पॉइंट्स को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसको काटेंगे, अगर हम 5-5 से काटते हैं तो तीन बार तो ये कटेगा, इधर आ जाएगा 2 × 2 × 2, 65 को काटेंगे 13 आएगा, इसको काटेंगे 15 आएगा, और इसको काटेंगे तो 45 आएगा, ठीक है, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8775, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 × 4 × 8, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। अब देखो, अब वाटर कितना एब्जॉर्ब करती है, एक ईंट जितना वाटर पीती है, तो खुद का कितना परसेंट पीती है, 1/17, ये तो वॉल्यूम हो गया वन ब्रिक का जो हमने निकाला, और पीती कितना है, 1/17, ठीक है, इतना वॉल्यूम वो पी जाती है। अब देखो, अब है समझने वाली चीज, अब मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस, अब जो टंकी में खाली जगह थी और उसके अंदर मैं जोड़ देता हूं वॉटर एब्जॉर्ब बाय टोटल जितनी भी ब्रिक्स हैं, जितनी भी ईंटों ने पानी पी लिया, वो टोटल एब्जॉर्ब
टोटल एब्जॉर्ब वाटर बाई ब्रिक्स, टोटल टोटल ब्रिक्स मतलब हम एन मान लेते हैं, यहां लिख देता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू एन, ठीक है। तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा, वाटर एब्जॉर्ब बाई एन ब्रिक्स, ठीक है। अब देखो जो खाली जगह थी और ईंटों ने जितना पानी पिया वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक्स, ठीक है। एक तो खाली जगह में भी ईंटें आ जाएंगी और जो ईंटों पानी पिएंगी वो भी, तो खाली जगह का पानी और ईंटें जो पानी पी लेंगी वो, क्योंकि ईंट का वॉल्यूम और पानी वो पी लेंगी, तो पानी पी लेंगे ना वो ईंट के अंदर ही चला जाएगा, तो ईंट के वॉल्यूम के अंदर दो बार कैलकुलेट हो जाएगा, इसलिए हम उसको इस साइड में रखते हैं, ठीक है। तो ये फिर बराबर आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा इसको रखने से, इससे हमें एन की क्वांटिटी पता चल जाएगी और वही हमें निकालना है कि कितनी ब्रिक्स हैं, ठीक है। तो अब देखो हम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस कितना था, 185400 जो हमने निकाला था, ठीक है। फिर प्लस वाटर एब्जॉर्ब बाय एन ब्रिक्स, हमें पता नहीं एन कितनी है, तो एक ईंट कितना पीती है, अभी निकाला था हमने 8775 डिवाइड बाई 8 और वो वॉल्यूम का 17, इतना एब्जॉर्ब कर जाती है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ एन ब्रिक, एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना था, ये रहा 8775/8 इंटू एन, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बस और कुछ नहीं करना और हमारा आंसर आ जाएगा 185400 इक्वल टू, इसको उस साइड में ले जाते हैं, तो 8775n/8 minus 8775/8 into 17 into n। अब देखो इसमें से दोनों में से कॉमन क्या रहा, ऊपर का पूरा पार्ट और 8 नीचे से, तो 8775n/8 अंदर क्या रह गया, 1 minus 1/17, ठीक है। और इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे तो 17 minus 1 यानी ये क्या आएगा, 16/17, ठीक है। ये मतलब इसकी जगह, अब देखो अब क्या करते हैं, 185400 इस साइड में था, उस साइड में क्या रह गया, 8775n/8 और इधर क्या बच गया, 16/17, 8 से काटना है तो काट दो, 8 2 16, उसको उधर ले दो, 185400 into 17 divided by 8775 into n, वो n को उधर ही रखते हैं, इक्वल टू n, ठीक है। अब n की वैल्यू आ जाएगी, अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो देखो इससे काटेंगे ना, 25 से कट रहा है, तो 25 से काटेंगे ना तो इधर आएगा 351 और ऊपर आएगा 37008, ये मैंने पहले ही काट लिया था, ठीक है। अब n से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इनकी, तो ये आ जाएगा 629136 और डिवाइड बाय 351, ठीक है, और जो कि अप्रोक्सीमेट आएगा 1792.41, ठीक है। तो आप पॉइंट के बाद वाली लेंगे नहीं, क्योंकि ईंट तोड़ के नहीं लेंगे, तो 1792 ब्रिक्स, इतनी ब्रिक्स यूज होगी, ठीक है। तो इतनी ब्रिक्स इसमें यूज होगी। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया हुआ, अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।